इस फोटो वीडियो के लिए तो आप सभी पहचानते ही होंगे, क्योंकि ये कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। तो चलो आज मैं यहीं लेके जाने वाला हूँ आपको। तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए सरदार सरोवर डैम घूमने के लिए। यहाँ पर नाइट में लेजर शो होता है, तो आज मैंने सोचा कि चलो अपन लेजर शो देखते हैं कैसा होता है, क्या होता है, मैं आप सभी के लिए बताऊंगा इस ब्लॉग में। आप लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और ठीक तरीके से वैसे ब्लॉग भी नहीं बना पा रहा हूँ, पर ब्लॉग को लास्ट तक देखें, बहुत मज़ा आएगा। मैं डैम तक जाऊँगा, लेजर शो दिखाऊँगा आप सभी के लिए। इस वीडियो में बने रहे लास्ट तक, और यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन है मेरे साथ में। मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ में सुमन भी है, अभिषेक है। तो देखो मैं इनसे मिलवाता हूँ आप सभी के लिए। ये रही हमारी सुमन पटेल और ये रही हमारी बेटू खुशी पटेल। तो दोस्त देख सकते हो कितनी खुश है आज खुशी पटेल। और पीछे रहे मेरे अभिषेक भाई, उनसे भी मिल पाता हूँ एक सेकंड। ये रहे हमारे अभिषेक भाई। हेलो गाइस, एंजॉय, फुल एंजॉय, लास्ट तक देखते रहना, बहुत मजा करेंगे आज। तो दोस्तों बस हम आधी रास्ता में पहुंच चुके हैं, स्टेचू ऑफ यूनिटी पहुंच चुके हैं, कुछ ही टाइम में डैम पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा लाइटिंग लगा हुआ है, नाइट का नज़ारा है। पर लाइटिंग तो ठीक से दिखेगा नहीं, पर यहाँ पर रियल देखने के लिए आओगे ना, बहुत मज़ा आएगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी है, पीछे रह गया है, अभी देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा दोस्तों। भाई दोस्तों, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, तो थोड़े अच्छी तरीके से ब्लॉग नहीं बन पा रहा होगा, देख सकते हो। मैं चलो डैम पे जाके दिखाता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सरदार सरोवर डैम पर यहाँ का हम लेजर शो दिखाएंगे, पर यहाँ का साउंड बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉन्ग चालू है ना, तो कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इस वजह से मैं सॉन्ग बंद कर वो ऑडियो बंद कर दूंगा। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अभी सरदार सरोवर डैम। यहाँ पर ये लेजर शो चालू है, आप देख सकते हो। यहाँ का मैंने ऑडियो बंद कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई के ऊपर के कुछ सॉन्ग है ना, जैसे एक सॉन्ग कौन सा है, सबसे ऊंचा सबसे शानदार, ये सॉन्ग भी बज रहा है। यहाँ पर दो तीन सॉन्ग और बजते हैं, पूरे 5-7 सॉन्ग चालू रहते हैं। तो हम इस सॉन्ग की तो आपके लिए आवाज़ नहीं सुना सकते, क्योंकि मेरे फ़ोन में वो यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा, इस वजह से मैं ऑडियो बंद कर दिए इस टाइम की। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, जो वीडियो में दिख रहा है खास ये तो नहीं है, इससे भी कई गुना बेटर है। अगर आप सामने से देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। मैं 3 किलोमीटर दूर से वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि 3 किलोमीटर के बीच में है ना नदी है, तो नदी के पास तो मैं जाके अंदर जाके तो वीडियो शूट नहीं कर सकता। दूर से जूम करके बना रहा हूँ वीडियो, तो थोड़ा पिक्सल फट रहा है, इस वजह से मैं ज़्यादा जूम नहीं करूँगा वीडियो के लिए। तो फिर भी देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है फ़ोन का देखने योग्य, क्योंकि अगर DSLR से कैमरा से बनी हो अगर वीडियो तो उसकी बात अलग रहती है। मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, फ़ोन का इतना अच्छा रिजल्ट तो नहीं है, पर हाँ अच्छा लग रहा है फिर भी देखने में वीडियो। पर यहाँ पर कोई आकर देखे तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, क्या ही यहाँ पर शो होता है, वो देख के आदमी हैरान रह जाता है। तो दोस्तों अगर आप सभी आना चाहते हो तो यहाँ पर आओ, स्टैचू ऑफ यूनिटी सर्च करना कभी भी मैप पे तो आ जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में पड़ता है, गुजरात में बड़ोदरा के पास में पड़ता है, बड़ोदरा से 90 किलोमीटर 80-90 किलोमीटर जितना पड़ता है। यहाँ पर बहुत अच्छा लेजर शो होता है नाइट में, और भी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पर घूमने के लिए। मैं तो इस ब्लॉग में खाली लेजर शो ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, सब कुछ दिखाऊँगा नाइट का और मॉर्निंग का, इवनिंग का, सब कुछ अलग अलग पार्ट है। मैंने और भी ऑलरेडी डाला हुआ है, पहले दिन का, स्टेचू का, सभी जगह का ब्लॉग बना के मैंने धीरे धीरे डाला हुआ है, अपलोड किया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाके देख सकते हो उनके लिए भी यहाँ पर क्या क्या है क्या नहीं। आधा अधूरा से ज़्यादा मैं डाल चुका हूँ, अभी थोड़ी बहुत पार्ट बाकी है, वो भी मैं कुछ टाइम में धीरे धीरे अपलोड कर दूँगा, क्योंकि यहाँ डेली की अगर पूरी एक वीडियो डालूँ ना सब कुछ की तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कम से कम 4 से 5 घंटा से ज़्यादा की वीडियो हो जाएगी, तो इतनी लंबी तो कोई मेरी वीडियो देखेगा नहीं। तो इस वजह से मैंने छोटी छोटी वीडियो बना बना के अपलोड किया हूँ, आप सभी देख सकते हो यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि मेरा बहुत टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा यार।
और जो लाइटिंग लगी हुई है लेजर शो के लिए, लेजर लाइट लगी हुई है, उनका इफेक्ट ज़्यादा तो नहीं दिख रहा है फ़ोन में। काफ़ी ऊंचा लाइट फिकता है यहाँ पर, फ़ोन में ज़्यादा कंप्लीट नहीं आ पा रहा है। ये देखो शार्प लाइट चल रही है ना, जो ऐसी 30 लाइटिंग लगी हुई है यहाँ पर बड़ी बड़ी, तो वो इसमें नहीं आ पा रही, कवर नहीं कर पा रहा है कैमरा। तो हे गाइस, हम लोग अभी घूम के आ चुके हैं, आपने देखा होगा अभी तक सरदार सरोवर डैम। वहाँ से घूम के अभी हम लोग रिटर्न जा रहे थे, ताकि यहाँ नदी के पास में, स्टैचू के पास में बहुत अच्छी ठंडी ठंडी पवन चल रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ी टाइम बैठा जाए यहाँ पर। तो हम लोग बैठे थे, मैंने सोचा अभी थोड़ी शूट कर लिया जाए। देखो ये पीछे स्टैचू ऑफ यूनिटी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू। चलो तो अभी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग वीडियो ऐसे नए नए लाते रहते हैं, ब्लॉग ना कॉमेडी वीडियो। चलो बाय।